हेलो, मैं अभी झांसी में जो सखी के हनुमान मंदिर है वहाँ पर हूँ। और इस मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये 500 साल पुराना मंदिर है जो कहा जाता है। इसकी कहानी ऐसी है कि एक सखी बाबा थे ओरछा में, उन्हें सपने में एक हनुमान जी की मूर्ति मिली या दिखी। तो जब वो वहाँ पर गए तो उनको जो मूर्ति को उन्होंने लिया और बैलगाड़ी से अपने साथ ले जाने की कोशिश की उन्होंने। तो पूरे दिन जर्नी करने के बाद यहाँ पर जहाँ पे ये मंदिर लोकेटेड है वहाँ तक पहुँचे और रात हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं यहाँ पे आराम करता हूँ और फिर मॉर्निंग में आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे वो। तो उन्होंने यहाँ पे स्टे करना, एक पीपल के पेड़ के नीचे स्टे करना शुरू किया। देन नेक्स्ट डे जब उन्होंने फिर से आगे जर्नी कंटिन्यू करनी थी तो उनकी जो बैलगाड़ी थी उसका पहिया टूट गया, निकल गया मतलब। तो इसलिए उनको फिर से एक डे एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टे करना पड़ा। तो फिर रात को जब सोए, मतलब उसके बाद सोए, तो उनको रात को फिर वो हनुमान जी आए सपने में। उन्होंने बोला कि ओरछा जो झांसी के बिल्कुल पास में है, 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, वहाँ पे राजा राम रहते हैं। भगवान राम नहीं बोल रहा हूँ मैं, राजा राम बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी भी भगवान को, राम भगवान को राजा की तरह पूजा जाता है, मतलब वहाँ पे वो राज करते हैं। ये राजा राम सपने में आए, सॉरी राजा राम यहाँ पर है। तो उन्हें हनुमान जी सपने में आए, उन्होंने बोला कि मैं अपने भगवान से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहता, तो इसलिए जहाँ पर मैं अभी हूँ मुझे वहीं पर स्थापित कर दें। ठीक है, तो वो अपनी उन्होंने यहीं पर फिर उस मूर्ति को परमानेंटली स्थापित कर दिया। तो ये सखी के हनुमान मंदिर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि पूरी दुनिया में एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी एक लड़की के रूप में है, मतलब यहाँ पर लड़की के कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके हाथ में गदा है, मतलब लड़कियों के परिधान में एक गदा भी, दोनों हाथों में गदा भी है उनके, ना लड़की के परिधान में है वो। तो ये इकलौता मंदिर है और इस मंदिर में मतलब कि रेगुलर लोग विजिट करते हैं, जिनके संतान नहीं होती, निसंतान लोग यहाँ पर आते हैं, है ना, और यहाँ पे कहते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो ये आपको झांसी में मिल जाएगा, ठीक है। और आइए पूरे परिवार के साथ इस अद्भुत मंदिर के दर्शन कीजिए और बताइए कैसा लगा। ये हमारे पिंटू भक्ति भाव से मंदिर की परिक्रमा करते हुए Thank you.
सीताराम जय सीताराम सीताराम।